मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंचल कुमार है। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो बहुत ही खास है। हम घर बैठे बैठे SBI में अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं, नेट बैंकिंग कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत देखा गया है कि SBI अप्लाई हम कैसे करते हैं। तो पहले ऑनलाइन हम अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद उसका प्रिंट निकालते हैं, फिर हम नियरेस्ट में जो भी ब्रांच रहता है वहाँ जाके विजिट करते हैं, बायोमेट्रिक करते हैं, उसके बाद हमारा अकाउंट ओपन होता है। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे बैठे एक ऐप की मदद से कैसे आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, नेट बैंकिंग कैसे ओपन कर सकते हो और सारा फैसिलिटी को आप कैसे यूज कर सकते हो। तो हम चलिए हम वीडियो देखते हैं और वीडियो के माध्यम से हम सीखते हैं कि कैसे अकाउंट ओपन किया जाता है और नेट बैंकिंग हम कैसे यूज कर सकते हैं। चलिए वीडियो देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, प्ले स्टोर में जाके योनो SBI ऐप डाउनलोड करना है। इसको ओपन करना है। यहाँ पे देखिए डिवाइस लोकेशन एलो करना है, एलो करना है। यहाँ देखिए नीचे साइड में न्यू टू SBI लिखा है, उसको क्लिक करना है। देखिए यहाँ दो फीचर देगा, डिजिटल सेविंग अकाउंट और इंस्टा सेविंग अकाउंट। दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है कि इंस्टा सेविंग अकाउंट में 1 लाख तक ही आपको लिमिट है, उससे ज़्यादा आप यूज नहीं कर सकते हो। और डिजिटल सेविंग अकाउंट में फुल KYC हो जाता है, क्योंकि इसमें बैंक में जाके विजिट करना पड़ता है, वहाँ बायोमेट्रिक होता है, तो इसके बाद पूरा अकाउंट एक्टिव हो जाता है। तो घर बैठे हैंड टू हैंड सारा आपको फैसिलिटी मिल जाता है इंस्टेंट सेविंग अकाउंट में। बस इसमें लिमिट है 1 लाख तक। तो अभी लॉकडाउन में अभी बैंक मेरे को विजिट नहीं करना है, मैं सोचता हूँ घर में सारा हैंड टू हैंड मिल जाए, तो इसलिए अप्लाई नाउ पे अब क्लिक करना है। क्लिक करते हैं, अप्लाई न्यू करना है, इस पर क्लिक करना है। आपको आधार और पैन कार्ड आपको पास में रखना है, यहाँ बता रहा है, यहाँ सारा डिटेल बता रहा है, पेपरलेस अकाउंट ओपनिंग हो गया, नो ब्रांच विजिट दिखा रहा है, डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा आपको, मैक्सिमम बैलेंस इन अकाउंट नॉट टू एक्सीड 1 लाख, ये सब सारा डिटेल दिखा रहा है। क्लिक करके नेक्स्ट करना है। नंबर लिख के रिफरल कोड है तो रिफरल कोड कर दीजिए और सबमिट कर देना। इसके बाद OTP जाएगा आपको मोबाइल पे, जिससे भी आपको आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर जाएगा। सबमिट कर दीजिए। यहाँ सिक्योरिटी क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से जो भी आप सेलेक्ट करोगे उसका आंसर देना है। दोस्तों ये इसलिए किया जाता है कि कभी मान लीजिए आप पासवर्ड भूल जाते हो तो आपको ये सीक्रेट क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आप दे दोगे तो फिर आप रिसेट कर सकते हो पासवर्ड। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ देखिए लिख रहा है कि 15 दिन के अंदर आपको ये एप्लीकेशन कंप्लीट करना है, नहीं तो सारा डाटा आपका लॉस हो जाएगा। ओके कर देते हैं। यहाँ आपको डिक्लेरेशन उसको ये टिक करना है और नेक्स्ट करना है। यहाँ नीचे आना है, यहाँ एग्री करना है और टिक करना है। यहाँ तीन ऑप्शन देखिए, स्कैन आधार कार्ड QR कोड, एंटर आधार नंबर और एंटर VIP वर्चुअल नंबर। तीनों में से जो भी आप करना चाहते हो कर लो। मैं एंटर आधार नंबर डालता हूँ, उसको क्लिक करते हैं। यहाँ एंटर आधार नंबर बोल रहा है, वो नंबर डाल के आपको सबमिट करना है। चलिए हम डाल देते हैं, डाल के सबमिट करते हैं। यहाँ OTP आएगा आपका मोबाइल पे, वो OTP आपको इस पे डाल देना है। नेक्स्ट करना है। यहाँ पूरा आपका डिटेल दिखाएगा, वो डिटेल आपको आधार कार्ड से जो भी डिटेल रहेगा वही रहेगा। नेक्स्ट करना है। यहाँ पर्सन डिटेल में आपको डेट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ पूछ रहा है,
तो प्ले स्टोर के ऊपर क्लिक लो आप। इंडिया सब में लिख दो। देखने का नेक्स्ट करना है। यहाँ आपका भी डिटेल पूरा एड्रेस दिखाएगा, आधार कार्ड में जो है एड्रेस वो दिखाएगा। सब डिस्ट्रिक्ट जो है दोस्तों यहाँ पे आपका आधार कार्ड का फोटो दिखाएगा, तो नेक्स्ट करना है। यहाँ एडिशनल डिटेल आपको पूछेगा जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आपका दे देना है जो भी है। नेक्स्ट करना है मेरिटल स्टेटस क्या है वो करना है। नेक्स्ट करना है यहाँ फादर का नेम आपको पूछेगा, डिटेल पूछेगा, ये सारा भर के आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ जो भी है आपको वो दे दो। इसके बाद एडिशनल डिटेल्स में ऑक्यूपेशन पूछ रहा है, आप क्या करते हो, सर्विस अदर बिजनेस जो भी है आपका वो कर दो। इसके बाद नेक्स्ट करना है। एडिशनल डिटेल्स में ऑक्यूपेशन कौन सा, गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट जो भी है वो दे देना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। एडिशनल डिटेल्स ये आपको है, उसके बाद नेक्स्ट करना है। उसका आप डाल सकते हो नॉमिनी डिटेल में, रिलेशनशिप में क्या लगता है वो डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, ये सब डाल के उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद नॉमिनी का एड्रेस पूछ रहा है, एड्रेस आप डाल दो। सेम आपको एड्रेस जो उसका है वही एड्रेस रखना है, तो ये एड्रेस डाल सकते हो, इस पर टिक कर देना है। टिक करके उसके बाद नेक्स्ट करना है। यहाँ पे देखिए सेलेक्ट योर होम ब्रांच आएगा, तो होम ब्रांच आपका लोकेलिटी पर देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे देखा है। नेक्स्ट माई लोकेलिटी पे कर देता हूँ। लोकेलिटी में देखो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, जो भी आप डालना चाहते हो, नियर बाय पुणे में जो भी आपका एड्रेस रेसिडेंस एड्रेस के पास है वो लिख के। यहाँ पर दिखाएगा, आप सर्च करेगा, आप जो भी डालोगे नियर बाय देखो हो गया। मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करना है। यहाँ टर्म और कंडीशन बताएगा, उसको पढ़ लेना है। और इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है। टिक मार्क करना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है। मोबाइल पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहां पे डाल देना है। नेक्स्ट करना है। यहाँ डेबिट कार्ड पे आपको बोल रहा है कि आप नाम क्या रखना चाहते हो, तो आप रख सकते हो यहाँ पे। मैक्सिमम 25 वर्ड बोलता है, और इसमें बोला है कि विदिन 15 दिन में आपका ओपनिंग मतलब अकाउंट ओपन होने के बाद आपका 15 दिन के अंदर आपका ये डिलीवरी हो जाएगा आपका एड्रेस पे डेबिट कार्ड। नेक्स्ट करना है। यहाँ आपका प्रोवाइड डिटेल दिखाएगा, अकाउंट नंबर, सीआईएफ नंबर, ब्रांच कोड, ये सारा आपको डिटेल दिखाएगा।
और यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट में एक बात लिखा हुआ है, अपग्रेड द अकाउंट टू ए फुल KYC अकाउंट बाय विजिटिंग योर ब्रांच विद इन 1 ईयर। आपको अगर KYC फुल करना है, आपको फुल राइट चाहिए, 1 लाख से ज़्यादा आप क्रेडिट बाद में इसमें करना चाहते हो तो आपको फुल KYC करना पड़ेगा, और जो कि 1 ईयर के अंदर करना पड़ेगा, तो फिर आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि SBI में अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है, अब हम आगे वीडियो में देखेंगे कि नेट बैंकिंग हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और नेट बैंकिंग का यूज हम कैसे कर सकते हैं, तो चलिए वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, इंटरनेट बैंकिंग कैसे बनता है ये देखते हैं। इंटरनेट बैंकिंग ओपन करने के लिए जब आपने SBI अकाउंट ओपन किया था तो वहाँ पे फाइनली अकाउंट नंबर, CIF नंबर, ब्रांच कोड ये मिला था। आपने उसमें दिया हुआ था कि आपका जो भी रजिस्टर्ड किए हो आप मोबाइल नंबर, उस पर इंटरनेट बैंकिंग का ID आएगा, तो मेरा वो आया हुआ है। देखो यहाँ नीचे सब दिया हुआ है क्या क्या प्रोसेस करना है इंटरनेट बैंकिंग के लिए। तो इंटरनेट बैंकिंग का ID टेम्प्रोरी आपको वहाँ से मिलेगा, मोबाइल के मैसेज में आएगा, और पासवर्ड खुद से क्रिएट कर लेना है, जो भी आपने एप्लीकेशन पासवर्ड दिया वही आपका पासवर्ड हो जाएगा, वहाँ जाके हम क्रिएट कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं इंटरनेट बैंकिंग कैसे हम ओपन कर सकते हैं। फिर से हम आपको योनो ऐप पे जाएंगे, यहाँ सेकेंड ऑप्शन नीचे में दिख रहा है, एग्जिटिंग कस्टमर, इस पे क्लिक करना है। यहाँ देखिए फर्स्ट ऑप्शन लॉगिन यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग ID, तो हमको मैसेज आ गया है मोबाइल पे, तो हम फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ लिख रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जिटिंग कस्टमर, डू यू हैव SBI इंटरनेट बैंकिंग ID? हमको ID मिला इसलिए इसको यस कर देंगे, सबमिट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे खुद से सेट करने बोल रहा है यूजर नेम और पासवर्ड, जो हमने वहाँ पे लिखा था वो टेम्प्रोरी था, वो बैंक के थ्रू हमारे मोबाइल में आया था, तो हम उसको चेंज कर लेते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड भी चेंज कर लेते हैं, ठीक, सेफ्टी के लिए ये करना जरूरी है, तो करते हैं। देखिए हम खुद से बना लिए, आपको यूजर नेम और पासवर्ड भी खुद से लिख लिए, उसके बाद कंफर्म पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो गया है इंटरनेट बैंकिंग का, ओके कर लें। अब हम जो यूजर ID और पासवर्ड दिए हैं उससे जाके हम लॉगिन कर सकते हैं। फिर से आपको यहाँ जाके यस करना है। अब हम जो इंटरनेट बैंकिंग लिखे थे मतलब क्रिएट किए थे, यूजर नेम और पासवर्ड, वो यहाँ पर डालने के बाद आपका ऐसा कुछ आएगा, यहाँ एक्नॉलेज पर क्लिक किया हुआ है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट कर लेंगे। यहाँ MPIN आपको सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, सेट करने के लिए बोल रहा है, तो हम MPIN सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। आपके मोबाइल पे OTP आएगा, OTP डाल के नेक्स्ट करना है। देखिए यहाँ पे सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन दिखा दिया, ओके करना है। आपका इंटरनेट बैंकिंग आपको ओपन हो गया है, ये आपका होम पेज खुल गया, अकाउंट, योनो पे, योनो कैश, डिपॉजिट,
शॉपिंग करना है तो यहाँ पे सारा दिया हुआ है, बेस्ट ऑफिसर ये सब सब दिया हुआ है। अकाउंट पे क्लिक करते हैं, हम सारा फीचर देख लेते हैं इसका। देखिए आपका अकाउंट नंबर जो है वो है, बैलेंस यहाँ बताएगा, यहाँ डिपॉजिट आप कुछ भी करते हो, आरडी एफडी ये सब करते हो बैंक का, यहाँ पे दिखाएगा ये सब डिटेल। कोई डीमैट अकाउंट आप ओपन करते हो तो यहाँ ये सब दिखाता है। इतने सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, डिपोजिट होम में आपको सारा अकाउंट ये सब दिखाएगा, अकाउंट में क्या बैलेंस है, ट्रांजेक्शन क्या है, ये सब सारा डिटेल दिखाएगा। अगर बिना एटीएम के आप कैश निकालना चाहते हो तो योनो ऐप की मदद से आप एसबीआई एटीएम से कैश भी निकाल सकते हो बिना एटीएम की मदद से। ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ये कैसे प्रोसेस करते हैं। और दूसरा एक नया ऐप है योनो एसबीआई लाइट करके, उसका भी मैं आपको सारा फीचर बताऊंगा, उसमें क्या क्या फीचर एडवांस दिए हुए हैं, ये सब का वीडियो भी मैं आगे बनाऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दो। दोस्तों एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में मैंने आपको एसबीआई अकाउंट कैसे ओपन करते हैं ये बताया, नेट बैंकिंग आप कैसे अप्लाई कर सकते हो ये बताया, लेकिन नेट बैंकिंग में बहुत सारे फीचर होते हैं जिसका यूज हमको पता नहीं रहता है, तो उसका डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। तो अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो प्लीज़ जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।